हाय फ्रेंड, वेलकम टू बिप्लब पेट्स वर्ल्ड। आज की टॉपिक फिशेस की इंटरनल पैरासाइट डिजीज़ विदाउट मेडिसिन हम कैसे ट्रीटमेंट करें। बहुत सारे हॉबिस्ट को मालूम ही नहीं है इंटरनल पैरासाइट डिजीज़ क्या है, और इसके वजह से आपकी फिशेस की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा और स्लो स्विमिंग करने लगेगी। आपके फिशेस की अगर इंटरनल पैरासाइट डिजीज़ हुआ तो आपको बहुत ही जल्द इसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपके फिशेस की हेल्थ धीरे धीरे और भी ख़राब होते जाएगा और बाद में इसे डेड भी हो सकता है। आप कैसे समझोगे आपके फिशेस की इंटरनल पैरासाइट है? अगर आपकी फिशेस की इंटरनल पैरासाइट हुआ तो आपकी फिशेस की इसकी पायुदर से लंबा हाइट पुक ऐसे जैसे पिक्चर में है ऐसे ही आपको दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देने से आपको समझना चाहिए आपके फिशेस की इंटरनल पैरासाइट डिजीज़ है। ये आपके फिशेस की डाइजेस्ट प्रॉब्लम या फिशेस की पेट के अंदर कीड़ा या ओम्स रहने से होता है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके सही करना पड़ेगा, क्योंकि पेट अगर सही रहे तो फिशेस भी हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को एक्वेरियम फिश रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको लेना होगा एप्सम सॉल्ट, जिसे डॉक्टरी भाषा में बोलती है मैग्नीशियम सल्फाइड। एक 20 ग्राम का पैकेट आपको 10 रुपये में मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप में। अब बात करते हैं इसे आप यूज़ कैसे करें। इसके लिए आप आपके फिशेस को एक दिन पूरा खाना स्टॉप कर दीजिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप जिस टाइम फिशेस को खाना डालते हो उसी टाइम आपके फिशेस को जितना खाना डालते हो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फाइड आपके टैंक में डाल दीजिए। फिशेस इसको खाना समझ कर खा लेगा और उसके पेट में जितना कीड़ा है सब साफ हो जाएगा। इस दिन भी आपके फिशेस को खाना मत दीजिए, नेक्स्ट दिन से आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके फिशेस फुल हेल्दी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।